अब भाई सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि भाई हमें टोयोटा टाइजर क्यों लेनी चाहिए, हम फ्रॉन्स क्यों ना लें। बहुत बड़ा मेजर चेंज है, लोगों को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है। फ्रॉन्स को और इन दोनों को साथ में अगर खड़ा करोगे ना, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रंट फेस की। अगर आप ग्रिल की अगर बात करें, और थोड़ा सा यहाँ पर देखो क्रोम का भी वर्क किया गया है, हनीकॉम ग्रिल का यहाँ पर यूज़ किया है कंपनी ने। एक बार मैं इसके DRL और हेडलाइट ऑन करके दिखाता हूँ आपको। भाई इससे भी अच्छा खासा लुक आपको लो लाइट में मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो वाइट DRLs मिल जाते हैं आपको। अगर मैं हैजार्ड लाइट ऑन करता हूँ तो हैजार्ड लाइट आप देखिए कॉम्बिनेशन में इसके साथ काफ़ी प्यारा लगता है। आप खुद बताना कि कैसी लग रही है गाड़ी। बात कर लेते हैं हेडलाइट्स के सेटअप की, तो यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर वाइट हेडलाइट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी फॉग लैम्प आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन ओवरऑल लो लाइट में अगर आप गाड़ी लेके जाओगे तो अच्छा खासा आपको थ्रो मिलने वाला है। ओवरऑल लुक जो है वो काफ़ी स्पोर्टी लगता है। और भाई काफ़ी लोग कह रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है, भाई फ्रंट फेस अगर आप फ्रॉन्स से कंपेयर करोगे ना, भाई कहीं से भी ये फ्रॉन्स नहीं लग रही है, ये आपको टेजर ही लगेगी भाई। बिल्कुल ही नया कलर कंपनी ने लॉन्च किया है, लूसेंट ऑरेंज कलर के साथ बिल्कुल इसे लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा का भी यहाँ पर इस मॉडल में कंपनी ऑफर कर रही है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। आ चुके हैं आप साइड प्रोफाइल में, साइड प्रोफाइल बिल्कुल सिमिलर रखी गई है यहाँ पर फ्रॉन्स से। सबसे पहले व्हीलर्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ब्लैक ग्लेडिंग्स मिल जाती है। और हम बात करें अगर टायर साइज़ की, 16 इंचेस के टायर आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है, लेकिन आपको यहाँ पर जो टायर्स है, जो इसके अलॉयज़ है, वो बिल्कुल सिमिलर नहीं मिलेंगे। कई बार जो कंपनी से जो अलॉयज़ आते हैं वो हमें पसंद नहीं आते, तो इसलिए हम आफ्टर मार्केट का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आफ्टर मार्केट का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हो ओवर व्हील्स में आपको टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको 360 डिग्री की यहाँ पर कैमरा की लोकेशन भी मिल जाती है। बोथ साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, क्रोम का यहाँ पर पार्ट मिल जाता है, स्किड प्लेट आपको मिल जाती है, रूफ रेल्स भी मिल जाता है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप की यहाँ पर आपको कंपनी ऑफर कर रही है। बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी आपको ऑफर कर रही है। तो भाई अच्छा खासा यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, बिल्कुल ही सेम, बिल्कुल ही टेजर का और फ्रॉन्स का बिल्कुल सेम रखा गया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो 37 लीटर का कंपनी आपको ऑफर कर रही है। अब आ चुके हैं रियर प्रोफाइल में, तो यहाँ पर सबसे पहले शार्फिन एंटीना आपको यहाँ पर मिल जाता है, वॉशर मिलने वाला है, डिफॉगर मिल जाता है, और आपको वाइपर भी मिल जाता है। रियर साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कनेक्टिंग टेल लाइट मिल जाती है। आजकल सभी गाड़ियों में ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल रही है, चाहे 3XO हो या फ्रॉन्स हो या अर्बन क्रूजर हाई राइडर हो, सभी में ये चीज़ आजकल मिल रही है और लो लाइट में काफ़ी अच्छी भी लगती है भाई। यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है अर्बन क्रूजर टाइजर की, और यहाँ पर आपको वी नियो ड्राइव आप देख सकते हो कि यहाँ पर पर्टिकुलर मॉडल की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। ये मॉडल की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों ये वी मॉडल है 1.03 सिलेंडर इंजन के साथ। आगे हम इसके पावर की भी बात करने वाले हैं, तो वीडियो में जुड़े रहना। उससे पहले एक बार हम इसका बूट चेक कर लेते हैं कि बूट में हमें कितनी स्पेस मिलने वाली है। यहाँ पर कंपनी आपको 308 लीटर का बूट स्पेस ऑफर कर रही है, तो भाई अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और ये दोनों जो सीट्स है ये 40-60 स्प्लिट हो जाती है, तो अच्छा खासा बूट स्पेस आप यहाँ पर इंक्रीज कर पाओगे। भाई आप देखो इस ट्रे के नीचे स्टेफनी मिल जाती है आपको, वो भी 16 इंच की ही मिल रही है आपको। तो भाई यहाँ पर कंपनी ने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। और भाई कई बार मैंने ये देखा है कि ये जो ट्रे होती है ना, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जैसे कि हमने 3XO में देखा था, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन आपको इसमें अच्छी खासी क्वालिटी मिल जाती है। तो भाई ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। कहीं ना कहीं देखो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, क्योंकि हम इसे काफ़ी टाइम तक अगर एक गाड़ी लोगे आप तो 4 से 5 साल उसे यूज़ करोगे, तो ये ट्रे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है या मुड़ जाती है, आपको आफ्टर मार्केट का सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन आपको इस गाड़ी में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी ट्रे आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। देखो भाई गाड़ी में अंदर जाने से पहले सबसे पहले आपको डोर्स में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं। ड्राइवर साइड का जो पावर विंडो का बटन है ये आपको ऑटो मिल जाता है, लॉक अनलॉक के बटन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और आपको यहाँ पर ओवर व्हील्स को फोल्ड करने के बटन भी दिए गए हैं, और यहाँ से आप बैठे बैठे एडजस्ट कर सकते हो। ओवरऑल फिनिशिंग की अगर हम बात करें ना, तो भाई यहाँ पर देखो लेदर का सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है, बिल्कुल ड्यूल टोन में बनाया गया है, तो अच्छा लगता है भाई देखने में। अगर आप दूसरी गाड़ी में अगर देखोगे, अगर आप फ्रॉन्स में देखोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलती हैं भाई। ऐसी लेदर अपोस्ट्री आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, अगर आपको समझ में आ गई हो ये बात तो कमेंट में बताना कि कौन सी गाड़ी में है। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, और ये जो व्यू का बटन आप देख रहे हो यहाँ, ये व्यू को जैसे ही आप ऑन करोगे तो स्क्रीन में आपको 360 डिग्री कैमरा जो आपका लगाया गया है उसके यहाँ पर आपको सेटिंग्स और जो विजुअल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं।
और यहाँ पर आप देखो HUD मतलब हेड्स अप डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये रहा इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देख सकते हो राइट साइड में आपको यहाँ का स्पीडोमीटर मिल जाता है और लेफ्ट में आपको RPM मीटर मिल जाता है और बीच में छोटी सी स्क्रीन दी गई है जो कि आपको सारे ही फीचर्स बताने वाली है। अब आप देख सकते हो छोटे मोटे वार्निंग्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, यहाँ पर आप टॉर्क, पावर, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग कैसे चल रही है आपकी और बैटरी कितनी है, सारी ही डिटेल्स आपको यहाँ पर बैठे बैठे मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं स्टेयरिंग व्हील की, तो भाई साहब स्टेयरिंग व्हील बहुत जबरदस्त लग रहा है आपको, बिल्कुल लेदर रैप किया गया है, फिनिशिंग और स्टिचेस काफी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। और एक चीज देखो, फ्लैट बॉटम आपको यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है और यहाँ पर ग्लॉसीनेस मिल जाता है, बीच में लोगो मिल जाता है, तो ओवरऑल जो डिजाइन और इसके जो एलिमेंट का यहाँ पर यूज किया है ना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्रीमियम फील हो रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फोन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉइस कमांड जैसे छोटे मोटे सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 9 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर भी आपको फील इकोनॉमी के फीचर्स मिल जाते हैं, यहाँ से बैठे बैठे आप मेजर कर सकते हो कि भाई कितना डिस्टेंस टू एम्प्टी क्या रेंज आ रही है ना। एक बार मैं क्लिक करके आपको दिखाई देता हूँ, जैसे कि आपने यार जिमनी में भी देखा होगा या फ्रोन्स में भी देखा होगा टॉप एंड मॉडल में, तो ये देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सिमिलर रखा गया है कि ये बहुत ही इजी टू यूज़ है, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कंपनी ऑफर कर रही है। पूरा ही स्पोर्टी लुक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सिल्वर गार्निश का यहाँ पर यूज़ किया गया है, अगर आप टच करके देखोगे, अगर इस पर हाथ लगा के देखोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। एसी वेंट्स की अगर हम बात करें तो आप देखो कितने सिल्वर गार्निश में रखे गए हैं। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा टैन कलर मिल जाता है लेजेंडर जैसा, और यहाँ पर ग्लो बॉक्स में आपको मिल रहा है। थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12 वॉट का यहाँ पर आपको पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर USB पोर्ट मिल जाता है। और एक और चीज़ यहाँ पर, जो कि आपको यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख के चार्ज कर सकते हो, वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, 2 कप होल्डर भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये जो मॉडल आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये है V मॉडल 1.0 टर्बो। ये जो हमारे पास है मैनुअल ट्रांसमिशन है, अगर आप इसको ऑटोमेटिक में लेते हो AMT में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6-speed ट्रांसमिशन मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा आपको पावर प्रोड्यूस करके देता है। दोस्तों ये गाड़ी में 3-cylinder इंजन आपको कंपनी ऑफर करती है, जो कि टर्बो वेरियंट है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको पावर पिकअप मिलता है। टर्बो होने की वजह से पावर तो बढ़ेगी ना यार, बिल्कुल बढ़ेगी है ना। तो यहाँ पर आपको IRVM की अगर बात करें तो ऑटो दिया गया है, ऑटो डिमिंग के फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो बार बार आपको इसे सेट करने की जरूरत नहीं है। सन वाइजर में आपको, ओहो भाई यार ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी, यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर में आपको लाइट मिल जाता है। अब देखते हैं को जब ड्राइवर साइड में अगर ये चीज़ मुझे ऑफर कर रही है कंपनी, तो भाई ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि लेफ्ट में भी मुझे ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। कैबिन लाइट मुझे बलेनो जैसी मिल जाती है। भाई ये जो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC है ना, ये आपको बेसिक से ही मिलने वाली है, तो ज़रूरी ऐसी कोई बात नहीं है कि टॉप एंड मॉडल ही हमको लेना है और टॉप एंड मॉडल में ही हमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल रहा है। तो भाई ये देखो, ये चीज़ कंपनी आपको शुरुआत से बचपन से ही दे रही है, मतलब बचपन से का कहने का मतलब ये है कि आपको बेसिक से ही दे रही है, 2 एयरबैग्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC और छोटे मोटे बहुत सारे फीचर्स। बात कर लेते हैं लेदर अपहोल्स्ट्री की, तो भाई देखो यहाँ पर ना कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पर भी आपको कॉम्बिनेशन दिया है सीट्स में भी, आप देख सकते हो यहाँ पर एक अलग कलर है, और ये जो बीच की अगर बात करते हैं ब्लैक कलर का यहाँ पर यूज़ किया है, और डोर्स पे भी आप देख सकते हो, डोर्स पे भी बिल्कुल ये टैन कलर का यहाँ पर यूज़ किया है भाई। और ना आपको लेदर जो है वो सिर्फ आपको डोर्स पे मिल रहे हैं, सॉफ्ट टच यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, लेकिन सीट पे आपको इस मॉडल में कोई भी आपको लेदर सीट कवर नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन जो आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट आपको सॉफ्ट मिलने वाला है, इस पर थोड़ा सा यहाँ पर लेदर का कंपनी ने यूज़ किया है, और यहाँ पर छोटा मोटा स्पेस आपको दिया है, मैनुअल हैंड ब्रेक आपको यहाँ पर कंपनी दे देती है। भाई आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हेडसेट डिस्प्ले मिल जाता है, ये देखिए मैं हाथ ला के दिखा रहा हूँ, तो भाई ये भी छोटा मोटा फीचर है, देखो इसमें हेलो लिख के आ रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो लो फ्यूल लिख रहा है, तो ये छोटी जो स्क्रीन है ना, ये सारी स्क्रीन यहाँ पर आ जाती है। तो भाई ये वाइल्ड ड्राइविंग ना बहुत काम की चीज़ है, सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी कि इस सेगमेंट में कोई भी कंपनी ये ऑफर नहीं कर रही है। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो हेडसेट डिस्प्ले ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हो स्टार्टिंग इसमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, और जैसे ही मैं गाड़ी को बंद करूँगा तो भाई हेडसेट डिस्प्ले वापस अपनी जगह पर जा रहा है। तो भाई ये कहीं ना कहीं एक बहुत कूल फीचर है। अब भाई देखो गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं, ये सीट को मैंने अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग पहले ही सेट कर लिया था, तो देखो अच्छा खासा यहाँ पर लेग रूम, नी रूम भी अच्छा मिल रहा है भाई, हेड रूम भी अच्छा खासा मिल रहा है भाई। देखो ये गाड़ी में ना अच्छी खासी हाइट मिल जाती है, तो मेरे जैसा 6 फुट का आदमी भी ना बहुत आसानी से बैठ के जा सकता है, कोई दिक्कत आने वाले नहीं है।
तो कैबिन लाइट आपको रियर साइड में मिल जाती है, ग्रैब हैंडल भी यहाँ पर मिल जाता है। और भाई ये देखो ना, यहाँ पर ना कंपनी ने अच्छा खासा यार यहाँ पर हेडरेस्ट दिया है। तो देखो लेकिन यार इसमें ना थोड़ी सी एक प्रॉब्लम मुझे लग रही है। देखो ये अगर से निकालना रहा तो ऐसे नहीं निकलेगा, जो सीट नीचे करनी पड़ेगी उसके बाद निकाल पाऊंगा मैं, क्योंकि भाई जो हेडरेस्ट अच्छा बड़ा दिया है, अच्छा खासा बड़ा दिया है। चलो अब पीछे हमें क्या क्या सुविधाएं मिल जाती है एक बार उसकी बात कर लेते हैं ना। यहाँ पर आपको देख सकते हो रियर एसी वेंट भी मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी और भी अच्छी रखी जा सकती थी। यहाँ पर USB पोर्ट टाइप ए और टाइप सी दोनों ही मिल रहे हैं, और यहाँ पर छोटी सी स्पेस मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर आपका फ़ोन नहीं आने वाला है भाई, इतनी सी स्पेस है, बिल्कुल देखो बिल्कुल इतनी जा रही है। तो भाई देखो रियर साइड का कुछ इस टाइप में आपको सीट्स मिलने वाली है। कुशनिंग बहुत अच्छी है, अच्छा खासा यहाँ पर आपको कंफर्ट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर ना फैब्रिक का यूज़ किया है, लेदर का यूज़ नहीं किया है। फ्रंट में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बीच में ना आपको एक सेपरेट यहाँ पर हेडरेस्ट दिया गया है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बीच वाले को भाई स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन भाई यहाँ पर कोई भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है टॉप एंड मॉडल होने के बावजूद भी। आप देख सकते हैं गाड़ी की चाबी मेरे पास में है, कीलेस एंट्री वाली चाबी है, लॉक अनलॉक के दोनों ही बटन हैं। इमरजेंसी में अगर बैटरी डेड हो गई तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो बिल्कुल चाबी बिल्कुल बेसिक सी है, जो कि आपने मारुति की सभी गाड़ियों में ये चाबी देखी होगी। आपको आप इस चाबी के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। अब भाई इसका बोनट ओपन करके देखते हैं, बहुत बड़ा मेजर चेंज है, लोगों को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है। फ्रोन्स को दोनों को साथ में अगर खड़ा करोगे ना, तो भाई यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि टोयोटा ने यहाँ पर भी काम किया है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि यार बिल्कुल सेम ही रखा गया है। अगर अच्छे से अगर आप देखने वाले हो, अगर कार एंथुसियास्ट हो, तो पता चलेगा कि भाई यहाँ पर आपको चेंज किया गया है। देखो भाई अभी हम क्या कर रहे हैं कि ब्रांड में डील कर रहे हैं, तो भाई छोटी मोटी चीज़ें नहीं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको क्वालिटी में फ़र्क मिलने वाला है। सबसे पहली बात बोनट में, दूसरी बात गाड़ी के जो डोर्स हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये डोर्स है ना, आपको अगर आप मारुति की फ्रॉन्स देखोगे तो दोनों में फ़र्क है, आप ध्यान से देखना। अब बात कर लेते हैं इंजन की, तो इंजन बे कुछ इस टाइप का है। भाई इंजन ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 1.2 लीटर का यहाँ पर इंजन मिल जाता है, वही अपना फेवरेट के सीरीज इंजन आपको मिल जाता है, ड्यूल जेट ड्यूल VVT वाला। और इसमें ऑप्शन आता है 1.0 के सीरीज का इंजन, उसमें आपको मिल जाता है जो कि टर्बो वाला मिलने वाला है, जिसमें 3-सिलेंडर इंजन के साथ कंपनी आपको ऑफर करती है। भाई देखो ये टर्बो इंजन है, तो टर्बो इंजन होने की वजह से आपको 98-99 BHP का पावर मिल जाता है, और जो कि प्रोड्यूस करता है 147 Nm का टॉर्क। तो भाई अच्छा खासा आपको यहाँ पर पेपी इंजन मिल जाता है, अच्छा खासा आप इसे सिटी और हाईवे में चला पाएंगे और अच्छा एक्सपीरियंस ले पाएंगे। 3-सिलेंडर टर्बो होने की वजह से अच्छा खासा पावर आप फील करेंगे वाइल ड्राइविंग। भाई अगर 1.2 पेट्रोल 4-सिलेंडर इंजन वाला वेरिएंट अगर आप लेते हो तो 89 BHP पावर और 113 Nm का टॉर्क कंपनी आपको ऑफर करती है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो ग्लांजा है, बिल्कुल सेम वही इंजन आपको फ्रॉन्स में भी मिल जाता है और आपको अर्बन टाइजर में भी मिल जाता है अगर 1.2 लेते हैं तो। भाई बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट्स की, ई मॉडल आता है, एस मॉडल आता है, एस प्लस मॉडल आता है, जी 1.0 टर्बो, MT 80 दोनों ही मिल जाता है। और टॉप एंड वेरिएंट अगर आप लेते हो तो टॉप एंड वेरिएंट में भी V 1.0 टर्बो, MT और 80 दोनों ही मॉडल्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। इसका जो बेसिक मॉडल है वो बेसिक मॉडल E की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको E मॉडल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ कंपनी ऑफर करती है, और साथ ही साथ आप इसमें CNG भी ले सकते हो। CNG वेरिएंट अगर आपने ले लिया तो आप मानिए कि आपकी गाड़ी 25-26 से प्लस ज़्यादा आपको माइलेज कंपनी ऑफर करेगी। भाई गाड़ी में ना टोटल आपको 7 कलर मिल जाते हैं। अब वो कैसे कैसे मिलते बता देता हूँ। 5 कलर तो आपको नॉर्मल मिल जाते हैं, एक नया कलर कंपनी ने टोयोटा ने लॉन्च किया है लूसेंट ऑरेंज कलर, और 3 मॉडल्स में आपको ड्यूल टोन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाके चेक करिए कि 7 के 7 कलर कैसे लग रहे हैं, आपका फेवरेट कलर कौन सा कमेंट में जरूर बताना। प्राइसिंग की बात करें तो 7,74,000 से दोस्तों शुरू हो जाती है। टॉप एंड वेरिएंट की अगर बात करें तो 13.5 लाख से 14 लाख के बीच में ये टॉप एंड मॉडल आपको मिल जाएगा। अब भाई सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि भाई हमें टोयोटा टाइजर क्यों लेनी चाहिए, हम फ्रॉन्स क्यों ना लें। सबसे पहली बात, आपको अगर आप मारुति से परचेस करोगे ना, तो भाई मारुति से आपको इस गाड़ी में देखो टोयोटा टाइजर की बात करें तो 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल की वारंटी मिलती है, जबकि आपको मारुति में सिर्फ 40,000 की ही और 2 ईयर्स के लिए मिलती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर टोयोटा का ब्रांड मिल जाता है, टोयोटा का भरोसा मिल जाता है। भाई तीसरी चीज़ है सर्विस की, जब आप सर्विस करवाने जाओगे ना तो मारुति में काफ़ी भीड़ मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर मिलता है और आपकी गाड़ी
जल्दी सर्विस हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर भीड़ आपको बहुत कम मिलने वाली है। और भाई सबसे प्लस पॉइंट क्या है ना, जो फ्रंट फेस है वो फ्रॉन्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है भाई, लग ही नहीं रही है कि फ्रॉन्स से। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सिमिलर है, हाँ सेम प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन फ्रंट फेस बिल्कुल ही चेंज है। अगर आप दोनों को साथ में खड़ी करोगे तब जाके ही आपको कंपैरिजन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। भाई अगर आप मेरा वीडियो नागपुर के आसपास से कहीं से देख रहे हो तो यहाँ पर आके आप कर सकते हो अपनी गाड़ी बुक। यदि आप डिटेल देख सकते हो यहाँ पर आइए और सारे ही आपको मॉडल सब मिल जाएंगे, आप जाके बुक कर सकते हो।